बहुत बहुत बधाई, कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। और भारत विकसित यात्रा जो मोदी जी की निकल रही है आज आए थे, किस तरह से यात्रा है? देखिए, जो कभी कांग्रेस ने आज तक कोई देश में कोई प्रधानमंत्री कोई मुख्यमंत्री ने कोई भी एक रुपया नहीं दिया आज तक, पर मोदी जी ने जो गांव की विकसित संकल्प यात्रा है, हम गांव के लोगों को बताना है कि ये योजना है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा आज तक किसी प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के किसानों को नहीं दिया। आज तक किसी ने प्रधानमंत्री आवास का मकान नहीं दिया, गैस चूल्हा नहीं दिया, फ्री में गेहूं नहीं दिया, बहनों को 1250 रुपये नहीं दिए। हमारी बहन को जब गर्भवती वो पैसा नहीं मिलता, आज वो पैसा मिल रहा है। संबल योजना में किसी की मृत्यु भगवान ना करे हो जाए तो 4 लाख रुपये मिलते हैं, अगर घर में हो गए 2 लाख मिलते। ये सारी योजनाएँ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत संकल्प के लिए किया है, ताकि हमारे लोगों को जानकारी हो जाए। देखो, दीवड़िया पहले क्या था, पानी नहीं था, रोड में 13 मंडोले ऐसा रोड था। अब यहाँ से 12 खंबा का रोड मैं कहके गया था हमसे, आज वो लोग बहुत खुश है और उनके इतने दमे कि उन्होंने झालकी से भी आपके सामने बोला कि झालकी से बनाई। हमारे गांव से बहुत ज़्यादा सहयोग करा है यहाँ से, बहुत ही बढ़िया गांव है, देवतुल्य गांव है। इसलिए गांव-गांव हम संकल्प यात्रा में जा रहे हैं और सारी योजना बता रहे हैं। मेरा एक सवाल है कि उमा भारती शिवराज सिंह चौहान दोनों की सरकार में आपको मौका मिला था, अब मोहन यादव जी की सरकार में मौका मिला, कहीं ना कहीं ईमानदारी की जो बात की जाती है वो देखने को मिली? अब ईमानदारी तो मेरा धर्म है, कर्तव्य है मेरा। मैं उससे तो इतना है कि मैं बेईमान आदमी से इतनी नफरत करता हूँ कि उससे ज्यादा नफरत किसी से नहीं करता। वो अच्छे इंसान से मैं पूजा करता हूँ। सेवा करना चाहिए। मैंने अभी बोला था अपने भाषण में, ये लोग वोट डालते हैं, मेहनत करते हैं, बिगर पैसे डालते हैं। सामने वाला पैसा दे रहा है कि ये वोट हमें दे दो, वो पैसे ले रहे हैं, रात भर तापते हैं और फिर किसी से लोन खाना, उससे बड़ा गाय के मांस भरा क्यों खाए हम किसी। सर, नया साल लग गया, 2024 का आगाज होने वाला है और आप अब कैबिनेट मंत्री बन गए, इछावा विधानसभा की जनता पे तो आपको अपेक्षा है ही है, पूरे मध्य प्रदेश को भी आप पे अपेक्षा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब ने आज कहा है, ऐसा आपको बहुत कम देखने में आया कि मुख्यमंत्री ऐसा बोले। उनका खुले में, अब हमारा ये देश है, खुले में मास्क की बिक्री नहीं होगी, तेज आवाज में कोई लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। पहला टेलर ने दिया और आज तीसरा टेलर दिया उन्होंने कि भ्रष्टाचार पसंद नहीं करूंगा मैं, भ्रष्टाचार नहीं होगा, ईमानदारी से अधिकारी काम करेंगे, हमारे नेता भी काम करेंगे, हम जनता की सेवा करना है। ये मोदी का देश है और मोदी लोकप्रिय तो 76% है, पर हिंदुस्तान के लोग और विश्व के लोग उनसे श्रद्धा भी रखते हैं। श्रद्धा सिर्फ भोलेनाथ से करते हैं लोग, इसके बाद इंसानों में अगर श्रद्धा करते हैं तो नरेंद्र मोदी।